आज तो मजा ही आ जाएगा गाइस, क्योंकि मेरा ब्लैक पनिशर हल्कबस्टर रेडी होने वाला है। एक बार ये तैयार हो जाए, पूरी दुनिया में चर्चे होंगे मेरे कि क्या कमाल का पीस बनाया मैंने। बस ये जल्दी जल्दी हो जाए, आज मैं इसकी डिलीवरी करने वाला हूँ मिलिट्री बेस को, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा होगी। और अरे बाप रे, ये क्या हो गया? नहीं, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट, मेरी सालों की मेहनत तबाह हो गई, वो भी एक सेकेंड में। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? मैंने तो बहुत ध्यान रखा था चावेस। चावेस भी कुछ नहीं सुन रहा है, मेरा सूट भी तबाह हो गया दोस्तों, ये तो आग भी लग गई, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अरे गाइस प्लीज मेरी मदद करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तब तबाह हो जाएगा। ये क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, मेरा स्टॉक मेंशन भी तबाह हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की साजिश हो उसके पीछे, किसने मुझे धोखा दिया, लेकिन यहाँ तो कोई है भी नहीं। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और जाकर किसी से हेल्प मांगते हैं। मजा आ गया, ये किसकी? एक मिनट रेड रिवेंजर, तू इधर क्या कर रहा है? मैंने ही तबाह किया तेरे स्टॉक मेंशन को, कल रात जब तू सो रहा था तेरे पनिशर के नीचे मैंने बॉम्ब लगा दिए थे इनविजिबल, और जैसे ही तू आज उसकी डिलीवरी करने वाला था मैंने उसको फाड़ दिया, लेकिन थोड़ी जल्दी फाड़ दिया। काश जब फाड़ता जब मिलिट्री बेस वाले तेरे पास होते, वो तुझे मुजरिम समझ के जेल में डाल देते। बकवास बंद कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, निकल मेरे घर से, समझा? हट यहां से, और तू मुझे मारेगा, रुक, तुझे बताता हूं। अरे मुझे यहां से भागना होगा दोस्तों, ना तुझे ही भगा देता हूं, रुक बेटा, अगर आज के बाद स्टॉक मेंशन वापस आया तो खत्म कर दूंगा। अब ये स्टॉक मेंशन पे मेरा कब्जा है टोनी स्टार्क, अब जिंदगी में कभी भी अमीर बनने की मत सोचना। छोड़ दे, छोड़ तो दिया, मजा ही आ गया, क्या ही मारा उसको। अरे दोस्तों ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, मेरी पूरी दुनिया तबाह हो गई, वो भी एक सेकंड में। मैं कैसे सो गया था रात, शायद मैं काम करते करते ज्यादा थक गया होगा। नहीं, मुझे तो ध्यान तक नहीं है, मेरा स्टॉक पेंशन गया, मैं गरीब हो गया दोस्तों। प्लीज मेरे साथ रहना, जिसने अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो वो जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी। एक मिनट गाइस, क्या चल रहा है? प्लीज मुझे मत मारो, मैं तेरे को मारूंगा नहीं, बस सारे फल दे दे और निकल जाए यहाँ से, नहीं मेरा घर बार नहीं चल पाएगा। ये क्या गाइस, यहाँ पर ये गुंडा है जो बेचारे बूढ़े अंकल को परेशान कर रहा है, मुझे अभी इसको पीटना होगा। अगर मैं आयरन मैन होता तो इसको बहुत बुरी तरह से मारता, लेकिन फिलहाल भी मैं इसको पीट सकता हूँ। ये ले तो गाइस, देखा हमने ऐसे लोगों को बहुत बार धूल चटाई है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सर, अब आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अरे मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मुझसे अब काम नहीं किया जाता, क्या तुम मेरे यहाँ जॉब करोगे? अरे बिल्कुल, जॉब की तो मुझे जरूरत है, मुझे फिर से रिचेस्ट आयरन मैन जो बनना है दुनिया का। तो ठीक है, तुम यहाँ पे काम करो, मैं थोड़ा जाके दवाई वाई ले लेता हूँ, पेट में दर्द हो रहा है। आओ गाइस, आओ फल खाओ। गाइस मुझे यहाँ पे सारे फल बेचने होंगे, जिससे कि कुछ पैसे तो मिल जाए मुझे कुछ महीनों में। आओ आओ गाइस, आओ जल्दी आ जाओ, बहुत बढ़िया फल है, टोनी स्टार्क के फल है, आयरन मैन के फल है। क्या चल रहा है, देखनी होगी। ए भाई आ जाओ, जो भी हो भाई बहन जी, बिल्कुल आ जाओ। अरे मैया है तेरे पास, देखना पड़ेगा रे, छोटे बच्चों के लिए फंग मांगता मेरे को, कितने फल मिलेंगे? अरे सर आप चाहो तो पूरे ले जाओ, ज्यादा महंगे नहीं है, जितना आप चाहोगे डिस्काउंट में लगा दूंगा। ठीक है ठीक है, काम करो, 2 किलो दे दो और पैसे ले लो। ठीक है सर, ले जाओ आप। गाइस ये बंदे ने कुछ फल खरीद लिए, मतलब 2 किलो भी खरीद लिए, काफी हेल्प होगी मेरी, इसी तरह से मुझे मेहनत करके काम करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, अब इसमें से कुछ मैं उस बूढ़े आदमी को दे दूंगा और कुछ अपने पास रख लूंगा, जिससे कि मैं एक आयरन मैन का सूट बना सकूं टीन के डब्बों से, जिससे मैं रिचेस्ट आयरन मैन फिर से बन पाऊं। गाइस मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। गाइस पूरे 2 महीने हो चुके हैं और मैंने कम से कम $10,000-15,000 जोड़कर ये कुछ खराब उल्टा सीधा टुकड़े टुकड़े करके इस सूट को बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। और यहाँ पर देखिए गाइस, मैं वेल्डिंग मशीन से इसको आज ज्वाइंट कर रहा हूँ पूरी तरह से, जिससे कि काम करना स्टार्ट हो जाए। अरे बाप रे गाइस, मैंने सूट को पहन लिया है, अब चलो उड़ने की कोशिश करते हैं। कमॉन 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 कमॉन, अरे बढ़िया दोस्तों, देखा बेशक मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन टैलेंट तो आज भी कूट कूट के भरा है मेरे अंदर, इसीलिए तो मैंने सूट को फिर से बना लिया कचरे के ढेर से। बढ़िया गाइस, अब भी मेरे को इसकी टेस्टिंग करनी होगी कॉम्बैट में, उसके लिए काम करते हैं। शहर में अगर कहीं क्राइम चल रहा होगा तो उस क्राइम को रोकते हैं। बजाजार मन का शाके तो मर गया था, मैं इतनी जल्दी से मर नहीं सकता, मैं वापस आ चुका हूं अपने शहर के लोगों को और दुनिया को बचाने के लिए, तुम समझे? ये ले तो, क्या ही मारा गाइस को, और ये ले तू भी, और ये ले गाइस, देखा ऐसी बैंड मजनी
समझनी चाहिए लोगों की कि जिंदगी में कभी भी ये किसी को परेशान ना करें और मार जा रहा है। गाइस इन सब की हालत मैंने ख़राब कर दी है, मेरे हिसाब से इनके अकाउंट भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ पैसा मिल जाए। अरे 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 यार कोई है, अरे वाह गाइस यहाँ तो बहुत सारा पैसा है, पता नहीं ये कितना पैसा होगा। एक काम करता हूँ, इस सारे पैसे को लेकर कुछ टूल्स खरीद कर अपने सूट को अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट गाइस यहाँ पर जो हमारा सूट है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है इसको मॉडिफाई करना। मेरा सबसे पहला जो सूट था, मतलब ओरिजिन सूट, मैंने उसको कलर दिया था रेड टाइप का, तो हम इसको अपनी याद में, पुरानी यादों में इसको रेड टाइप का कलर देंगे, मतलब बहुत सही रहेगा। ये देखिए गाइस मैंने इसको पहले से भी बेटर बना लिया है, मतलब एकदम प्योर रेड सूट बना लिया है। ये असल में मार्क 85 की कॉपी जैसा वर्जन लगता है, लेकिन इसकी पावर बहुत अद्भुत है। और यहाँ पर देखिए मैं कितना स्मूथली तरीके से उड़ पा रहा हूँ। ऑलराइट दोस्तों अभी तो शुरुआत है, हमें बहुत ज़्यादा रिचेस बनने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो देखिए अब मेरी जो स्ट्रेंथ है पहले से बेटर हो गई है और मेरी स्पीड भी, अरे वाह अब तो नए नए फीचर्स भी अनलॉक हो गए हैं मेरे सूट में। देखिए आसपास मुझे पैनल्स दिख रहे हैं, मेरे सूट की स्पीड दिख रही है। अरे एक मिनट ये कौन है यहाँ पर, टोनी स्टार्क कहाँ जा रहा है, ये तो रेडल की आवाज आ रही है। रेडल किधर क्या कर रहा है, अरे मैं तुझे पीटने आया हूँ। मेरी बात सुन, रेड रिवेंजर बॉस ने बोला है टोनी स्टार्क के पास कोई भी आयरन मैन का सूट नहीं रहना चाहिए, इस सूट को चुपचाप मुझे दे दे। एक मिनट रेड रिवेंजर कैसे पता चला, और अब पूरे शहर में खबर फैल गई है टोनी स्टार्क वापस आ चुका है, वो भी आयरन मैन बन के, पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन तू रिचेस्ट नहीं बन पाएगा, गरीब रहेगा तो, बकवास बंद कर रेडल को, निकल जाए यहां से, क्या कर लेगा, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। ये ले देख रहे हो गाइस कैसे आया मुझे फिर से गरीब बनाने, कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे गलती कर रहा तू, गलती मेरे बॉस तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओ तो गाइस ये रेड रिवेंजर का चेल है जो मुझे पीटने आया था, मैं वापस आऊंगा, फिलहाल तो जा रहा हूं यहां से, देख लियो तू बचेगा नहीं टोनी स्टार्क, जल्दी जाता हूं बॉस के पास और बोलता हूं गड़बड़ हो गई, अब तो वही कुछ करेंगे। पूरी स्पीड में निकलता हूं मैं, बॉस मेरी बात सुनो। क्या बात है, अरे बॉस बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई बताएगा अभी, अरे उसने अपना सूट नहीं दिया। ओ तो टोनी स्टार्क कुछ ज्यादा तेवर दिखा रहा है, लगता है मुझे जाना होगा। अरे नहीं बॉस आप मत जाइए, बस आप मुझे प्लीज अपग्रेड कर दीजिए गॉड रेड हल्क में, फिर देखिए मैं उस टोनी स्टार्क को कैसे पीट पीट कर आपके कदमों के नीचे डाल देता हूँ। बिल्कुल सही कहा, तो हो जा खड़ा सामने। अरे बढ़िया बॉस, थोड़ी गुदगुदी हो रही है, हिलना मत, मैं तुझे जल्दी ही गॉड रेड हल्क बना दूंगा, उसके बाद तू उस टोनी स्टार्क को पीटना और मेरे पास ले आना, समझा तू। जी बॉस जैसा आप कहें, देखो मैं बन चुका हूँ यहाँ पर वन एंड ओनली गॉड रेड हल्क, अब तू बचेगा नहीं टोनी स्टार्क, पूरी स्पीड में आ रहा हूँ मैं। ये मारी जंप और ये मारी एक और जंप, टोनी स्टार्क कहाँ पर है तू, अरे यहाँ तो है नहीं, लगता है थोड़ा आगे मिलेगा, और स्पीड में जाता हूँ, अरे वो रहा टोनी स्टार्क। हाँ तो मजा ही आ गया उसको पीट कर। अच्छा दोबारा बताना, अरे एक मिनट ये तू ऐसा कैसे होकर आ गया, तू तो भीगी बिल्ली बन के गया था और अब शेर बनकर आ रहा है। अरे शेर नहीं गॉड रेड हल्क मैं, अब देख तेरा क्या हाल कर। अरे नहीं गाइस ये क्या कर रहा है मेरे साथ, अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़ दे, नहीं 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 कैसा बुरा, मार रहा हूँ तुझे, ये ले अब बता चलेगा मेरे साथ, नहीं चलूंगा तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, सूट उतार, नहीं उतारूंगा चाहे मार दे मुझे, और तू मरता भी तो नहीं है, ये ले। अरे गाइस प्लीज हेल्प मी, कमेंट में आयरन मैन ओपी लिखो, ये मुझे मार देगा, चल मेरे बॉस के पास। नहीं दोस्तों इसने मुझे कहां बंद कर दिया, और आज चुपचाप सूट देता, बात मान ले मेरे। गाइस ये किसी से बात कर रहा है क्या, और मुझे धूप लग रही है इसलिए मुंह पे हाथ रख रखा है। अरे नहीं 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 मुझे यहां से भागना होगा, कबार कबार, नहीं 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 ये क्या हो रहा है मेरे सूट में, अरे बिजली क्यों निकल रही है, अरे मार दिया। अरे गाइस ये क्या, मेरे सूट में कोई दिक्कत हुई, उस वजह से रेड हल्क भी बेहोश हो गया और यहां पे पूरा जाल टूट गया। एक काम करते हैं जल्दी यहां से भागते हैं। नहीं 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 ओ माय गॉड गाइस मैं बच गया, मुझे जल्दी अपने सूट को ठीक करना होगा, ऐसा ना हो इसके अंदर मैं जिंदगी भर के लिए कैद हो जाऊं। अरे कोई है, कोई है, कोई मदद करो। एक मिनट ये कौन है, लगता है गाइस ये तो कोई चोर है, अरे ये तो इनके शहर का गुंडा है। अरे वाह आज तो काफी अच्छा माल चुरा लिया, मजा ही आ गया, किसी को भी नहीं दूंगा और कम से कम एक दो लाख डॉलर में तो बेचूंगा। गाइस ये तो असल में एक स्टेबलाइजर है जो मेरे पूरे के पूरे सूट को स्टेबल कर सकता है, ये ले। ऑलराइट गाइस अब भी इस टूल का यूज करके अपने सूट को हम स्टेबल करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारी स्टेबिलिटी बिगड़ेगी नहीं और मेरा सूट बेटर हो सकता है। जल्दी जल्दी मुझे लेके जाना पड़ेगा पूरे के पूरे स्टेबलाइजर को। ऑलराइट गाइस हम इसको लेकर आ गए, अभी हमें अपने सूट में जितने भी परेशानियां उनको
निकाल कर सूट के पूरे फंक्शन को स्टेबल करना होगा। ऑलराइट, यहाँ पर और है, ठीक 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 ठीक, यहाँ पर काम हो रहा है हमारा दोस्तों। किसी टाइम में मेरा सूट फिर से बेटर हो जाएगा। मुझे अभी अपने सूट को और अपग्रेड करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए और टूल्स, तो उनको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी मैं बन चुका हूँ गॉड रेड एलिमेंटल का आयरन मैन वाला सूट, और ये कितना ही ऑसम लग रहा है, देख पा रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, अब मैं उस गॉड रेडल को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बेइज्जती की थी ना, मुझे जाल में बंद किया था, और ट्रॉय रेड रिवेंजर गाइस वो भी पिटेगा बुरी तरह से। चलो चलते हैं पूरी स्पीड में और जाकर देखते हैं कि अब ये गॉड रेड हल्क छुपा हुआ कहां पर है। गॉड रेड हल्क कहां पर है तू, सामने निकल। गाइस मैं पूरा शहर ढूंढ मारूंगा, लेकिन उस गॉड रेड हल्क को ढूंढ लूंगा। और मेरी स्पीड भी देखिए, अब मैं कितने बेटर तरीके से उड़ पा रहा हूं। ऑलराइट गाइस, यहां पर मैंने पूरा शहर छान मारा, लेकिन वो गॉड रेड हल्क मुझे मिला नहीं। लेकिन वो जब भी मिलेगा मैं उसको पीट दूंगा। अरे तू मुझे कहां ढूंढेगा, मैं तुझे खुद ढूंढ रहा हूं। ओ तो तू मुझे ढूंढ रहा था और मैं तुझे, लेकिन अच्छी बात है तू मुझे यही मिल गया। अब चुपचाप ये बता, रेड रिवेंजर कहां है? वो तो स्टॉक मेंशन यार, तुझे पीटने के बाद मैं रेड रिवेंजर को भी पीटूंगा और दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट रेड डायमंड बन जाऊंगा। अरे चुप कर, हंसी आती है तेरी अच्छी बातों से। अच्छा हंस रहा है, अब बहुत जल्दी रोएगा भी तू। वो कैसे? अरे बाप रे, ऐसे रोएगा, मार दिया रे। बिल्कुल इसी तरह से पिटेगा तू। देखा गाइस इस रेड को कितनी बुरी तरह से पीट रहा हूं मैं, अब बता। और माफ कर दे मुझे प्लीज, आई कितना बुरा मारता तू तो। गाइस अब इस गॉड रेडल को तो हमने ऑलमोस्ट यहां पे हरा दिया है। ये ले, क्या बात है दोस्तों, अब गॉड रेडल यहां पे पहले से ज्यादा वीक एंड पूरी तरह से रेस्टलेस हो गया है। अब तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाएगा, तड़प तड़प इस तरह से, माफ कर दे मुझे, आ मार दिया। अब गाइस पूरी स्पीड में चलते हैं अपने स्टॉक मेंशन और जाके उस रेड रिवेंजर को बदला लेते हैं और साथ साथ में उसको बाहर निकालते हैं। उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी उस दिन जिस दिन उसने मेरे पूरे सूट को खत्म किया था। और तू कहां से आ गया स्टॉक, मैं अपना बदला लेने आया हूं और साथ साथ में जो मेरा है उसको भी। और ये स्टॉक मेंशन मेरा है, देखा नाम तो फिर भी मेरे से ही लिया जाता है ना। इसको बकवास बंद कर, समझा तू टोनी स्टॉक, बहुत बुरी तरह से पिटेगा। और एक मिनट, गॉड रेड हल्क कहां गया? उसका तो मैंने कितनी देर पहले ठिकाने लगा दिया और अब मैं तुझे भी वहीं भेज रहा हूं, जा उसको पीट पीट कर भेजा है। बकवास बंद कर, मैं बोल रहा हूं ना, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो गाइस अब मैं फाइनली इस रेड रिवेंजर को पीट कर अपने घर को वापस ले लूंगा और साथ साथ में दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैं। अरे बाप रे, अरे तेरे बस की कुछ नहीं है, कोई दुनिया तुझे नहीं पूछेगी। क्यों नहीं पूछेगी, जरूर पूछेगी दुनिया मुझे, ये रहे तो मैं तेरा खराब करूंगा। गाइस हमने फाइनली लड़ लड़कर इस रेड रिवेंजर को हरा दिया है। काफी स्ट्रगल भी हुआ लेकिन फाइनली रेड हल्क हार चुका है। आ माफ कर दे मुझे गाइस, रेड हल्क का देखिए मैंने कितना बुरा हाल किया है। क्यों ना दोस्तों, अब एक काम करें, हम वापस से अपने पूरे के पूरे घर को फिर से स्टेबल करने के लिए बहुत सारा पैसा कमाए और टूल्स करें और साथ साथ में नए नए सूट्स भी बनाए। तो काफी टाइम लगा मुझे, लेकिन काफी महीनों के बाद मैंने अपने स्टॉक मेंशन को बचा लिया है। अब मैं आपसे कुछ महीने बाद मिलता हूं, उसके बाद देखना मैं कितना रिचेस्ट बन जाऊंगा। ऑलराइट गाइस, यहां पर काफी मंथ हो चुका है मुझे और मैंने अपने सूट को बना लिया है दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट अल्ट्रॉन सूट। और यहां पर देखिए मेरे पास अब काफी गोल्ड हो गया है, गोल्ड के साथ साथ मेरे यहां पास बहुत सारे प्राइवेट जेट हैं और बहुत सारा मेरे पास पैसा है। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट बार जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।